मम्मी मैं अपने कामों में बिजी होती हूँ, रानी से आहिल को संभालने नहीं जा रहा है। काम करते कि हम उसके लिए ना 24 आवर एक मेड रख लेते जो उसका अच्छे से ध्यान रखेगी। ठीक कह रही हो, तो माँ को तो सिवाय अपनी खुशी के कुछ और याद ही नहीं है, औलाद की भी फिक्र नहीं है। रूमी को मैं इतना बेहस नहीं समझती थी। लोग ठीक कहते हैं, शादी अपने बराबरों में ही करनी चाहिए। बड़ी जल्दी याद आया आपको ये, जब सब कुछ तबाह हो गया। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जाओ, मैं जरा आयल को देख कर आती हूँ। अम्मी और रूमी क्या कर रहे थे? अम्मी तो हर वक्त रूमी के साथ होती हैं। अयान भी मुझसे हर वक्त पूछता रहता है आहिल कहाँ है, फूफो क्यों रो रही हैं। देखें आरिफ, मसला कोई भी हो, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरा घर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। उस दिन भी देर रात की वजह से अयान को स्कूल से छुट्टी करवानी पड़ी थी मुझे। क्या मतलब क्या तुम्हारा कि मेरा घर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए? साफ साफ बताओ क्या कहना चाह रही हो। शान से किस कदर बेहस हो चुकी हो तुम। मेरी बेचारी बहन छोटी सी उम्र में बेवा हो गई, उसके ससुराल वालों ने बच्चा छीन लिया उससे, और तुम कह रही हो कि वो सोग भी ना मनाए कि खुदा ना खासा तुम्हारा घर डिस्टर्ब ना हो जाए। हैं? देखिए आरिफ, इसे बुरा मनाने वाली बात नहीं है, आपकी बहन है वो, इसलिए आपको उसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही। जब तक कोई बात होती नहीं ना, बात बनती नहीं है, और यूं ही कोई उसको बुरा भला क्यों कहेगा भाई। एक मिनट, क्या मतलब क्या तुम्हारे इस बात से कि उन्होंने रूमी पे जो बोहतान लगाया वो दुरुस्त है? ऐसा नहीं कहा मैंने। हाँ मगर मफहूम तो यही था ना तुम्हारा। अब मेरी एक बात तुम कान खोल के सुन लो शान से, आज के बाद अगर तुमने मेरी बहन के बारे में कोई भी ऐसा लफ्ज मुंह से निकाला ना, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारी बहुत सी बातें सुनता हूँ, बर्दाश्त करता हूँ, पी भी जाऊँ, लेकिन मेरी बहन के किरदार पे मत जाना। आगे समझ? वालेकुम सलाम। क्या बात है अरीशा, परेशान लग रही हो। साहिब भाई, वो मुझसे गलती हो गई, और जब तक मैं आप लोगों को बताऊंगी नहीं, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। क्या बात है, बोलो तो सही। साहिब भाई, वो सैरिश ने गुस्से में आकर उमी भाभी को घर से निकाल दिया और आहिल को भी ले लिया। क्या?